चैनल नॉलेज सामान्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आंसर सी, चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आंसर बी, एनियाक। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आंसर सी, 1936 से 1938 के बीच। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? आंसर डी, 1960। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आंसर बी, संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर डी, 2 दिसंबर। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? आंसर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आंसर डी, मैंट्रा। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? आंसर डी, इनमें से सभी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? आंसर ए, 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? आंसर ए, 1024 किलोबाइट। 1 जीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? आंसर बी, 1024 मेगाबाइट। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप्स बनते हैं? आंसर डी, सिलिकॉन से। इंटरनेट में शब्द एचटीटीपी का सही विस्तारित रूप क्या है? आंसर डी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा अक्सर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? आंसर सी, लोगो। निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? आंसर बी, नोटबुक कंप्यूटर। असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? आंसर सी, हाई लेवल असेंबली। मल्टी प्रोसेसिंग होती है? आंसर बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? आंसर सी, सीडी रोम। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? आंसर डी, एरिथमेटिक। सीपीयू के एएलयू में होते हैं? आंसर बी, रजिस्टर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आंसर सी, एएलयू। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? आंसर ए, प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है? आंसर ए, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचालन को कौन नियंत्रण करता है? आंसर ए, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन है? आंसर सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? आंसर बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है? आंसर बी, अरिथमेटिक।
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? आंसर सी सीपीयू। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आंसर बी अंडरस्टैंडिंग। प्रमुख मेमोरी किसके साथ मिलकर कार्य करती है? आंसर डी सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? आंसर बी माइक्रोचिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है? आंसर सी आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? आंसर बी सीपीयू द्वारा। प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं? आंसर ए आउटपुट। सीपीयू का मुख्य घटक है? आंसर डी ये सभी। कंप्यूटर की क्षमता है? आंसर सी सीमित। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? आंसर बी कृत्रिम। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? आंसर ए सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? आंसर बी मानव मन। ईडीपी क्या है? आंसर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? आंसर सी एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? आंसर डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर सी सीपीयू। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आंसर बी इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? आंसर डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? आंसर ए कैश विदाउट स्टाफ। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? आंसर बी डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? आंसर सी प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है? आंसर सी अबेकस। पैकपेन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? आंसर सी गेम। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? आंसर बी ब्लेज पास्कल। किसने पंच कार्ड का आविष्कार किया? आंसर डी हरमन हॉलरिड। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? आंसर सी चार्ल्स बेबेज। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? आंसर ए सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? आंसर ए डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? आंसर डी सुपर कंप्यूटर। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? आंसर सी तृतीय पीढ़ी।
विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? आंसर सी 1964। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आंसर बी सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? आंसर डी सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आंसर डी चतुर्थ पीढ़ी। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? आंसर डी सुपर कंप्यूटर। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? आंसर सी चीन। आईमैक एक प्रकार का है? आंसर ए मशीन। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? आंसर सी चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम पांच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? आंसर ए जोसेफ मेरी। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? आंसर ए चार्ल्स बेबेज। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? आंसर डी जैक किल्वी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आंसर ए आयरन ऑक्साइड। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर बी गणना। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? आंसर सी सी डेक। निम्न में से तेज कौन सा है? आंसर ए रेजिस्टर्स। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था? आंसर बी प्रेसपर एकर्ट और जॉन मोस्ले। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? आंसर ए प्रिंटर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? आंसर बी 12। किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? आंसर डी लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? आंसर ए मॉनिटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? आंसर बी लेजर प्रिंटर। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? आंसर ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? आंसर ए मॉनिटर। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? आंसर सी जॉयस्टिक। CTRL शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? आंसर बी मॉडिफायर। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? आंसर ए बारकोड्स। OCR का पूर्ण रूप क्या है? आंसर बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आंसर डी टच स्क्रीन। सबसे महत्वपूर्ण डेटा स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? आंसर सी हार्ड डिस्क ड्राइव। मॉनिटर डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? आंसर बी डायगोनली।
कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने वाले यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? आंसर डी स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? आंसर बी डगलस एंजलबर्ड। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर होता है? आंसर बी रैम। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? आंसर बी भीतरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? आंसर ए एक्सटर्नल। रैम किस तरह की मेमोरी है? आंसर डी मुख्य। निम्न में से कौन रैम नहीं है? आंसर ए प्रैम। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? आंसर ए कैच। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? आंसर बी प्राइमरी। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? आंसर ए रैम। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर सी ऑप्टिकल डिस्क। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस है? आंसर सी मैग्नेटिक। धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और सामान्य ज्ञान जीके के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।